रही है, प्रोडक्शन नंबर वन जिसका अभी नाम अभी दिया नहीं गया है, या तो प्रोडक्शन नंबर वन नाम ही है, और रोशनी मूवीज की तरफ से ये काम होने जा रहा है। बहुत खुश हूँ कि इसमें मुझे बुलाया गया और वेरी वेरी अच्छा। सुनील भाई, जो बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं, डायरेक्टर के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें तो? डायरेक्टर तो मेरे दोस्त ही हैं, बहुत अच्छे राइटर भी हैं, और मेरे बाजू में ये आइए आइए हमारे हैंडसम दोस्त, देखिए ये गेटअप आज बहुत चल रहा है इंडस्ट्री में, तो आप बताइए जरा। मैं एक फिल्म कर रहा हूँ, ये दो फिल्म एक बॉक्सिंग पे आधारित है, और बॉक्सिंग के साथ साथ इसमें किन्नर जो रही है, किन्नर को हम लोग दर्शा रहे हैं इसमें, कि किन्नर की लाइफ में क्या होता है तो उसको भी बताया है, और साथ ही बॉक्सिंग पे दर्ज है ये फिल्म, और एक जो है लव स्टोरी, इन दोनों फिल्मों को हम लोग अलग अलग कर रहे हैं, और ये जल्दी उत्तराखंड में शूट करेंगे, और सुनील भाई का साथ है, सुनील भाई भी फिल्म में काम कर रहे हैं, और मतलब साथ ही वो बुलाते ही कराएंगे आपको, और कुछ नए करेक्टर में आपको देखने को मिलेंगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप बताइए। ये अभी तो देखिए कास्टिंग चालू है, अभी अहमद मिंटो और चेल्सी नेगी, ये दो लोगों को लीड में फाइनल कर लिया गया है, और बाकी हम लोग ये शूट करने वाले हैं उत्तराखंड में, सितंबर के फर्स्ट वीक से करेंगे हम लोग स्टार्ट, देहरादून, नैनीताल, नैनीताल और देहरादून में। अच्छा सर, स्टोरी आपका बड़ी शानदार है, और यकीन ये आपको बताता हूँ, ये समझिए गॉड गिफ्ट है। मैं एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, मैं एक स्टोरी लिख रहा था जब, तो 7 दिन मैंने स्टोरी लिखी बैठ के। मेरा क्या रहता है, मैं जब स्टोरी लिखता हूँ तो स्विच ऑफ कर लेता हूँ, और मतलब किसी से कोई मतलब नहीं, ना खाता हूँ ना पीता हूँ, केवल पानी रहेगा, उसके अलावा कुछ नहीं, मैं बंद करके बैठ गया। तो 7वें दिन जब मैं बाहर निकला, तो मैंने उसके बाद उसमें एक चीज़ लिखी थी कि लक्ष्मी नारायण को किन्नर महामंडलेश्वर बनाया गया, और वो रियल में हो गया 10 दिन के बाद। तो ये मेरे साथ होता है, ऊपर वाला साथ है बस। हमारे साथ वेटरन एक्टर रमेश गोयल साहब भी आ चुके हैं। जी जी, पुराने कलाकार, और रमेश जी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, और हमारे साथ काम भी कर रहे हैं, सभी फिल्मों में रहते हैं ये, हमारी परमानेंट डायरेक्टर। हाँ संजीव त्रुना जी, जो भी फिल्म बनाएंगे सब मैं कंपल्सरी ब्लाइंड हूँ। वाह, मैं काम करूँगा ही करूँगा, और बहुत अच्छा रोल देते हैं, और बड़ा ही मान सम्मान देते हैं, वैसे तो सबको ही देते हैं मान सम्मान ये, लेकिन मुझे स्पेशली इसलिए देते हैं, मैं सीनियर आदमी हूँ तो थोड़ा बहुत लिहाज करते हैं मेरा। बाकी सुनील पाल जी मेरे बहुत अच्छे, मेरे ऊपर मेहरबान है, अच्छे दोस्त तो नहीं बोल सकता, स्टार हैं सुनील पाल जी, लेकिन मेरे मेहरबान हैं, मुझे हमेशा जो एंटरटेन करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और ये जो फिल्म का माहौल बना है आज, इतने बड़े मॉल में, इतने बड़े हॉल में, सिनेमा थिएटर में, जिस तरह से मुहूर्त हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमको इन्वाइट किया गया, यहाँ बुलाया गया, सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, अभी मुहूर्त भी होगा, फिल्म स्टार्ट भी होगी। हम पहले भी नैनीताल में थे, उस फिल्म का नाम था अनजाना इश्क, यस, और इसका नाम है, इसका अभी प्रोडक्शन नंबर बन है, क्योंकि अभी टाइटल रजिस्टर्ड नहीं हुआ तो नाम नहीं पता प्रोडक्शन। हम पहले नैनीताल में थे काफ़ी दिन तक, और शायद अभी भी हम लोग, हाँ देहरादून और मसूरी दोनों। हाँ फिर मौका मिलेगा वहाँ जाने का, इतने खूबसूरत जगह में देखेंगे, मिलेंगे, खाएंगे, पिएंगे, दोस्ती करेंगे, शूटिंग करेंगे, एक्टर बनेंगे, सब कुछ करेंगे वहाँ पर। तो सुनील पाल जी, यू आर ग्रेट। सुनील सर जी, सुनील भाई मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके दोस्त राजू श्रीवास्तव को लेकर बहुत तरह की खबरें आ रही हैं, काफी भी दोस्त हैं आप, और लगातार आप अपडेट देते रहे हैं, क्या जानकारी इस वक्त राजू श्रीवास्तव की सेहत को लेकर मिल पा रही है? बहुत खुशी वाली ही खबर समझिए इसे, कि काफ़ी अच्छे अच्छे अपडेट्स आ रहे हैं, भाई की बॉडी जो है रिएक्ट करना शुरू कर रही है। यस, डॉक्टर्स बहुत अच्छे अच्छे वहाँ पर अपना बेस्ट दे रहे हैं, एम्स तो वैसे ही एशिया का सबसे नंबर वन हॉस्पिटल है ही, स्वयं मोदी जी वहाँ पर दखल दिए हुए हैं, योगी जी, अरविंद केजरीवाल जी, स्वास्थ्य मंत्री और राजू जी का पूरा परिवार, खासकर भाभी जी को मैं प्रणाम करता हूँ, मां अन्नपूर्णा, ऐसे माहौल में उन्होंने पूरे अपने आप को, अपने पूरे परिवार को धैर्य के साथ बांधे रखा है। yes. और उन्होंने मुझे कहा कि सुनील बहुत पॉजिटिव सोच रखना, हम सब पॉजिटिव है, और इस तरह से तुम्हारे भाई रिएक्ट भी कर रहे हैं, दुआ भी लग रही है, तो पूरे देश की दुआएं चाहिए हमारे कॉमेडी किंग को, हमारे कॉमेडी के मुखिया को, हमारे गजेंद्र भैया को,
कि yes. वो फौरन उठ के खड़े हो जाए, बोले अरे भैया मजाक मजाक में हम भी आ गए. तो भैया वो जरूर आएंगे. क्या बुलाएंगे? क्योंकि जब आप हंसते हो तो भगवान की प्रार्थना करते हो, और जब आप किसी को हंसाते हो तो भगवान आपके लिए प्रार्थना करता है. वाह वाह. घर से मस्जिद है, चलो दूर चलो ये कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए. तो हंसाने से बड़ी इबादत नहीं है, हंसाने से बड़ी कोई मेडिसिन नहीं है, हंसाने से बड़ी कोई वैक्सीन नहीं है. तो लाफ्टर की मेडिसिन और मेडिकल की मेडिसिन दोनों वहाँ पर प्यार मोहब्बत से मिलके एक चमत्कार करेगी. और हमारे भाई राजू श्रीवास्तव जी फिर से उसी जोश में उसी खरोश में वापस आएंगे और हमें ताउम्र हंसाएंगे, हजारों साल हंसाएंगे. पूरा हिंदुस्तान उनको चाहता है, पूरे हिंदुस्तान के चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं. ये हमारे दोस्त हैं संजीव जी, जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, और बहुत ही प्यारी खूबसूरत एक रोमांटिक फिल्म बनाई है. बहुत दिनों के बाद में सिनेमा पे लोग वादियाँ देखेंगे. उत्तराखंड की वादियों में शूट हुआ है ये. मैं डेफिनेटली शुभकामनाएं देना चाहूँगा, गुड विशेज देना चाहूँगा, क्योंकि मैंने फिल्म का नरेशन लिया है. आप लिखे वेरी पावरफुल रोल इन दिस. ये फिल्म बहुत ही हार्ड हिटिंग है, बहुत ही रियलिस्टिक है, और बहुत ही नॉवल आइडिया है. जैसे आज आपने देखे जाओ तो अनुराग कश्यप ने दोबारा बनाई, विच इज़ अ डिफरेंट इनोवेटिव आइडिया, जो पहले आया नहीं है. उसी किस्म की ये फिल्म है. ये फिल्म में बहुत ही डिफरेंट ड्रामा है, रियल कैरेक्टर्स हैं जिस कैरेक्टर से ये फिल्म बन रही है. तो मुझे लगता है कि लोगों को ये टच करेगा, आइडेंटिफाई कर पाएंगे लोगों से, एंड फिल्म विल डेफिनेटली रीच पीपल्स हार्ट. हाँ जी, मैं फिल्म में बहुत अच्छा कैरेक्टर कर रहा हूँ. आप प्लेइंग ए यूनक, जो बहुत ही बुरा इंसान है, एक छक्का है, जो बहुत ही इविल आदमी है. एंड हाउ, कैसे ये जो यूनक होते हैं, जो लोग उनका कम्युनिटी होता है, वो कैसे लोगों पे हावी होता है, कैसे ज़बरदस्ती करते हैं, कैसे इविल को बढ़ाते हैं. और उसी इविल में ये भी अच्छे लोग भी हैं जो उस चीज़ को बैलेंस करना चाहते हैं. बट मेरी शक्ल में लिखा हुआ है कि मैं इविल आदमी हूँ, तो मुझे इविल के रोल ही मिलते हैं, तो मैं डेफिनेटली वो पार्ट अदा करूँगा. और मैं किसी रियलिस्टिक कैरेक्टर पे वो बेस करूँगा, ताकि लोगों को कनेक्ट हो कैरेक्टर के साथ. सबसे पहले तो मैं इसके प्रोड्यूसर शमीम जी को मैं आइए तो मैं सबसे पहले तो शमीम अख्तर को बधाई देना चाहता हूँ, जो इसके प्रोड्यूसर हैं, और संजीव जी को. वो एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, और हम भी उसमें काम करने जा रहे हैं. ये योगी जी हैं जी, अब कुछ ये भी बताएंगे. मैं तो बस खाली इतना बोलना चाहूँगा, नमस्कार एवरीवन, मैं बस इतना बोलना चाहूँगा, ये जो हम नई मूवी स्टार्ट कर रहे हैं, ये बिल्कुल आपको डिफरेंट रोल, जैसे मेरा किरदार मैं हमेशा नेगेटिव करता रहा हूँ, ये नेगेटिव होगा मगर बहुत अलग होगा, जो आप देखेंगे. मैं अभी रिवील नहीं कर सकता ये चीज़, क्योंकि मेरे डायरेक्टर साहब बताएंगे नहीं, और वो ही बोलेंगे आपको. एंड वी आर शूटिंग वेरी सून फॉर दिस, एंड आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा. एक बारी और हम सब मिलेंगे बाद में, तो वी गो फॉर इट. एंड एक्सलेंट सब्जेक्ट, बहुत अच्छा है. बट मैं इतना बोलना चाहूँगा कि ये जो सब्जेक्ट है, ये किन्नर पे बेस है, एंड उस पर आपको पता चलेगा कि कैसे लाइफ किस किस की क्या है. मेरा लुक भी चेंज होगा उसके अंदर. बहुत बेहतरीन स्टोरी है, जब आप देखेंगे आएंगे तो ज़रूर सराहा जाएगा इसको, और हमें उम्मीद है कि ये बहुत अच्छे से फिल्म आई जाएगी. इसमें बहुत अच्छे कलाकार इसमें काम करेंगे, तो देखिए, इंतज़ार कीजिए इस फिल्म का. धन्यवाद. मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि रोशनी मूवी प्रेजेंट्स की ये बैनर तले ये फिल्म बन रही है, जो कि बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है. इस फिल्म में मैं एज अ सेकेंड लीड काम कर रहा हूँ, और मुझे बहुत खुशी है कि ये फिल्म जल्द ही स्टार्ट होने वाली है. सॉरी, हाँ, मेरा इसमें सेकेंड लीड है, मैं सेकेंड हीरो इस फिल्म का. हाय, आई एम सना अली खान. मैं रोशनी मूवी जो प्रेजेंट है उसमें मैं काम कर रही हूँ, लेकिन नाम अभी मैं बता नहीं सकती हूँ. बट इसमें मैं एक अच्छी भूमिका निभा रही हूँ. इसके जो आप लोग देखेंगे उसके बाद आप बताएंगे कि ये भूमिका कैसी थी.
तो मैं बहुत उत्साहित हूँ इस फिल्म को लेके। काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी, समथिंग 5 ईयर्स, अब जाके इसका टाइम आया है, तो मैं बहुत खुश हूँ। और कॉन्ग्रेचुलेशन मैं बोलती हूँ संजीव जी को कि इन्होंने इतनी मेहनत के साथ इतना अच्छा प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, जो रोशनी मूवी प्रेजेंट कर रही हैं, प्रोडक्शन नंबर 1। फिल्म का नाम अभी बाकी है, सीक्रेट है। जो ये फिल्म है अभी जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये संजीव जी जो उनके डायरेक्टर हैं, तो ये फिल्म एक बॉक्सिंग के ऊपर है, एक किन्नर और एक बॉक्सर के ऊपर है। तो ये जो किरदार है वो एक बॉक्सर का है, और इस पर बहुत सारी चीज़ें डिटेल अभी आगे हम जाएंगे, बातें करेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए लाइक बॉक्सिंग और किन्नर के एक बीच में एक स्टोरी है, और जो उनका जो रिलेशन है तो उसके ऊपर है ये, और आगे जाके हम देखेंगे आगे क्या क्या ऐड होता जाता है इसके साथ। डेफिनेटली ये तो आफ्टर शूट ही बताएंगे। वैसे ये बिकॉज मैं इनको बहुत पहले से जानता हूँ, संजीव जी को, इन पे मुझे मतलब इतना ट्रस्ट है कि ये अच्छी ही फिल्म बनाएंगे। और इन्होंने जो मुझे ये स्टोरी नरेट की थी, इन्होंने मुझे बताया था इनका बहुत पैशन था इस चीज़ को लेके कि ये मुझे चीज़ करनी है, और ये चीज़ों और इतने ब्यूटीफुल से लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ पे। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा होगा एक्सपीरियंस, एंड जो उनका जो कमराडरी उनकी जो है, जो एक किन्नर कैसे अपना लाइफस्टाइल कैसे करता है और बॉक्सर कैसे उसको हैंडल करता है, तो उसके बारे में सब। और डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा, आई होप सो। एक्चुअली ये जो मूवी है वो एक बॉक्सिंग और किन्नर की, और जो किन्नर की जो स्टोरी है वो एक रियल स्टोरी बताया गया है, कैसे किन्नर का समाज होता है, क्या होता है। तो और बाकी इतना मतलब मुझे डीपली अभी हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग होगा। मैं इतना ही बताऊंगा कि आई एम प्लेइंग मेल प्रोटैगनिस्ट इन द फिल्म, तो उससे आगे तो आई कैन रिवील राइट ना, बट ये है कि वी ऑल आर प्लेइंग लाइक द थ्री फीमेल प्रोटैगनिस्ट एंड द मेल प्रोटैगनिस्ट इन द फिल्म। अच्छा, दो फीमेल एक्ट्रेस हैं, कोई और भी एक्टर होंगे? हम बहुत सारे एक्टर्स हैं हमारे साथ, बट डिटेल तो मुझे पता नहीं, बट ऑब्वियसली एक्टर्स तो होंगे 100%। तभी एक मूवी बनेगी, सारे एक्टर्स सब साथ में काम करेंगे। तो डिटेल नहीं यार, डिटेल कुछ तो सस्पेंस रहना चाहिए ना। नहीं, मुझे तो पता नहीं कौन सी क्या कुछ नहीं पता। के बॉक्स मुझे कुछ नहीं पता। नमस्ते सभी को, मेरा नाम रंजीत खन्ना है, और ये फिल्म प्रोडक्शन नंबर 1 एक, इसकी कहानी बड़ी बेहतरीन है। इनके निर्देशक है संजीव त्रिगुनाथ, जिनके साथ मैं पहले भी मूवी कर चुका हूँ, और जब इनका कॉल आया कि एक और मूवी कर रहे हैं तो हमें बेहद खुशी हुई, और हमने उन्हें शुभकामनाएं दी। अच्छा किरदार है इस मूवी में, और आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो ये मूवी काफ़ी हिट होगी। ये शमीम अख्तर जी हैं, ये एक फ़िल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं, रोशनी मूवीज़ करके इनका बैनर है। तो हम लोग एक पहली फिल्म कर रहे हैं, इसका टाइटल दिया हुआ है लेकिन अभी टाइटल रजिस्टर्ड नहीं है, तो हमने उन्होंने प्रोडक्शन नंबर 1 किया है। तो ये फिल्म बहुत कोशिश के बाद हम लोग बना पाए हैं, बनाना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत टाइम से लगे हुए थे और आज इस मुकाम पे पहुँचे कि हम लोगों ने शुरुआत कर ली। बाकी शमीम भाई कुछ कहना चाहेंगे, बताइए ना। बताना चाहते हैं कैसे मुलाकात हुई, फिल्म जो है वो कैसे प्लान हुई, और ये हुआ कि भाई स्टोरी कैसे पसंद आई। संजीव हमारे बहुत पुराने दोस्त, 7-8 साल से पहचान है, और इन्होंने एक स्टोरी लेके आया तो मुझे पसंद आया, तो हमने कहा अब इसको शुरू करो, क्या समझा, क्योंकि कहानी मुझे बहुत पसंद आई। मुझे तो कोई मुश्किल नहीं है। क्या समझे आप, क्योंकि हमारा बनारसी साड़ी एक कारोबार है, इसलिए क्या समझे, तो इसलिए हमें कोई मुश्किल नहीं है। संजीव इसके बनाने में जो भी इनकी मतलब मेहनत रही है, जो भी तकलीफ रही है, अब सारी तकलीफ इनकी खत्म। अभी ये मैंने आपको बताया था अभी कि दो फिल्में हैं, ये एक नहीं है, ये दो फिल्में हैं। तो ये दोनों फिल्में, एक तो लव स्टोरी है और एक जो है ऑफबीट फिल्म है जिसको कह सकते हैं। तो अभी टाइटल आएगा तो उसके बाद ही बता सकते हैं इसके बारे में, और जल्दी हम लोग शूट पे जा रहे हैं, सितंबर में शूट करेंगे, है ना सर। तो ये दोनों फिल्में
एक के बाद एक। तो पहली कौन सी शुरू होगी? पहली ये बॉक्सिंग वाली। लव स्टोरी बाद में। हाँ चेंज हो सकते हैं उसमें, अगर इसमें परफॉर्म अच्छा गया तो वही एक्टर हम लोग रिपीट कर लेंगे। शमीम भाई आपने बताया कि जिस तरह से साड़ियों का कारोबार है तो हीरोइन जो है बनारसी साड़ी में कई बार नजर आएगी ग्रुप में, अगर साड़ी में आ जाएगी तो अच्छा, कहानी के हिसाब से देखेंगे ना कि साड़ी के चक्कर में थोड़ी नहीं, वो साड़ी में तो रहेगी क्योंकि बनारसी साड़ी है तो साड़ी में तो दिखेगी वो। नहीं मैं 15 अक्टूबर को फैशन शो कर रहा हूँ बनारसी साड़ी का, इसलिए। और चीफ गेस्ट जो है अपने प्राइम मिनिस्टर जी को बनाया जा रहा है, उसके लिए लेटर भी भेज दिया है शमीम भाई ने, और वहाँ से 80% ओके भी हो गया। सितंबर में बुलाया उन्होंने मुझे मिलने के लिए, और अखिलेश भाई ने बोला भी था हमारे कि मतलब इवेंट करेंगे बहुत अच्छा बॉम्बे में। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले मैं इनका धन्यवाद देता हूँ, संजीव जी का, शमीम जी का, जिन्होंने मुझे ये ब्रेक दिया है और मैं इनकी फिल्म में काम करूँगा। पहले कई बार हमारी बात हो चुकी है लेकिन हम साथ में काम नहीं कर पाए थे, जब ये नैनीताल में शूटिंग कर रहे थे दूसरी फिल्म की, तब से हमारी बातचीत चल रही थी, लेकिन अब हम साथ में काम करेंगे और इनका धन्यवाद है और इन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, मुबारक। यहाँ पर धन्यवाद की बात नहीं है क्योंकि के भाई इतने अच्छे एक्टर हैं कि इनको हम काट ही नहीं सकते, ये एक्टिंग ही ऐसी करते हैं तो एक करेक्टर रहता है जिसमें दिखते हैं यही नज़र आए इनसे, यही कर सकते हैं। के जी का कुछ अलग ही कॉमेडी करेक्टर है लेकिन कुछ अलग हटके है, आपको कुछ अलग ही देखने को मिलेगा, कॉमेडी के साथ साथ कुछ इमोशनल भी होगा, ये हंसाने के साथ रुलाएंगे भी। क्या बात। तो शमीम भाई हमारे प्रोड्यूसर हैं और संजीव भाई डायरेक्टर हैं, इनके साथ पहली बार मैं काम करूँगा लेकिन मुझे विश्वास है ये बहुत क्रिएटिव पर्सन है और इनकी क्रिएटिविटी, जब इनसे बात कर किया, जब इनके साथ मीटिंग किया तब पता चला कि ये कैसी फिल्म बना सकते हैं। अगर इन्हें मौका मिला तो ये जो पत्थर पर डूब उगाने वाली बात होती है वो संजीव भाई कर सकते हैं। संजीव भाई ने आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। हाँ बड़ी जिम्मेदारी, उन्होंने कहा कि आप हंसाने के साथ साथ इस बार रुलाएंगे भी। जी तो इन्होंने ऐसा सोचा है तो हम कोशिश करेंगे इनके साथ रुलाने की, मतलब पब्लिक को भरपूर इंटरटेन करने की कोशिश करेंगे हम। मैंने सुना इस फिल्म के लिए आप जिम जा रहे हैं, बॉडी बहुत अच्छी बनाएंगे। अभी जब कैरेक्टर जब फाइनल होगा। जिम तो नहीं लेकिन हम लोग शूट करने वाले जिम कार्बेट में भी तो। ये सुना होगा आपने। इनका हम लोगों ने सीरियल में पहले बहुत देखा है, इनकी एक्टिंग देखी है, संजीव जी ने पहले मिलाया इनको, उनको बताया कि भाई बच्चे एक्टर हैं, हमको अभी जो कहानी में आए उनको लो, जो कहानी में आए उनको लो, कहानी के हीरो मेन समझो आप, वैसे काम करो। थैंक यू सो मच, आपका भी सर। हम लोग का तहे दिल से है कि इस फिल्म के लिए एकदम शुभकामनाएं और अच्छी ये फिल्म चले और हर जगह इसका प्रचार प्रसार हो, हम दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। मेरा नाम रविशंकर पांडे, हम वाराणसी से आए हुए हैं काशी। मेरा नाम अमित कौशिक, मैं नोएडा, लेकिन मैं बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ रोशनी फिल्म इंडस्ट्री से, लेकिन आज एक शुभ घड़ी आई है कि जो आज अच्छा काम कर रहा है। मैं जितेंद्र कुमार वाराणसी से रहने वाला हूँ, मैं यहाँ पर ये फिल्म जो बनने जा रही है, मैं आशा करता हूँ कि ये फिल्म तरक्की करे बढ़े, यही शुभकामना करता हूँ। धन्यवाद।